वेल well, दोस्तों गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी लोग आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और ये चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज जो है आपको डेफिनेटली बहुत 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 हेल्प कर रही होगी ऐसा ही है ऐसा ही है तो कहिए हाँ ओके तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड है ओके थम दीजिएगा तो अब दोस्तों सबसे पहले अगर कोई यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा होगा तो मैं ये कह दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दी है वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए जिसमें मैंने नोट्स शेयर किया हुआ है एज वेल एज मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे प्लेलिस्ट uh, भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन का दिया है प्लेलिस्ट मैंने सारे वीडियोस जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं आई रिपीट सारे वीडियोस जो चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज पे मैंने बनाए हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में दिए वो आपको बहुत हेल्प करेंगे तो वो भी जरूर देखिएगा साथ साथ में मैं आपको ये कह दूँ कि यस सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में ही है और आप थिंक जी थिंक विशाल सर ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और आपके एग्जाम को हेल्प करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है कि हमें सी बनना है और आई इस बार अस्सी पार ठीक है आईडीटी में हमें अब वो एटी ही सोचना है उसके नीचे बिल्कुल भी सोचना नहीं है चलिए अब मैं आपको इतना कह दूं कि मैं डेली जीएसटी बाइट्स जो है इंस्टा पे शेयर कर रहा हूं वैसे तो अभी सोशल मीडिया मत यूज करो या कम से कम यूज करो पर जो भी आप कनेक्टेड हो सैटरडे संडे वगैरह तो जी एस टी बाइट्स छोटे छोटे अच्छे टेक्निकल पॉइंट्स पे मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ तो आप मेरा इंस्टा ज्वाइन कीजिएगा सी ए अंडर स्कोर विशाल अंडर स्कोर जिसपे आपको जीएसटी बाइट्स मिलेंगे और कभी कभी छोटे वीडियोज़ जो है जो आपको मोटिवेट करते रहेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे और मैं आपको यह कह दूं कि वी स्मार्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल और इंस्टा चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको इस तरह से वीडियोस मिलेंगे जो आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे चलिए और मैं सारी नोट्स जो है ओके यहां पे टेलीग्राम चैनल में गूगल ड्राइव में भी मैं ओके okay, शेयर कर दूंगा डोंट वरी ओके चलिए हा जो स्टूडेंट्स यहां पे सीएम इंटर कर रहे हैं या उनको भी प्लेस ऑफ सप्लाई है पीओएस है तो अगर वो मेरे साथ यहां पे रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो चलिए है, स्टार्ट करते हैं हमारा रिविजन आपके डाउट्स क्वेश्चन सब बाद में तो दोस्तों हम आई जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड से प्लेस ऑफ सप्लाईसाइज करेंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई प्लस आई जी एस टी एक्ट की सारी प्रोविजन समझने की कोशिश करेंगे ये चार्ट जो है ये चैप्टर दो पेजेस में मैंने इसको अरेंज किया है पूरा चैप्टर दो पेजेस में तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि ये कर लो और क्वेश्चन एयर कर लो दैट्स इन इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आ, स्टार्ट में ये पूरे इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं तो और पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये कहूंगा कि आपको कौन सी-कौन सी बात का आ, बात पर ओके okay, तो यहाँ पे यहां एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बेटा यहां पे प्लीज 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 ओके okay, आप यहाँ पे स्पैम ना कीजिएगा और ऑब्वियस है कि ये रिवीजन में मैंने अमेंडमेंट्स कवर किए छोटे छोटे जगह लेकिन साथ साथ में अमेंडमेंट लेक्चर जरूर कर लेना तो आपका बहुत अच्छे से अमेंडमेंट क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर्स में थोड़ा फोकस इससे डिस्कशन होता है तो फास्ट स्पीड में कर लेना पर कर लेना ओके okay, क्योंकि रिविजन में दो 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 लाइन में मैंने कवर किया तो आपका ध्यान नहीं रहता है चलिए तो अब आई एक्ट जो है

bien ध्यान से देखते जाइएगा मेरे साथ रिवाइज भी करते जाइएगा और याद भी करते जाइएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर इज़ इन इंडिया लोकेशन ऑफ रिसिपियन आउटसाइड इंडिया रिसिपियन बाहर का होना चाहिए अब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रिसिपियन ओके ये कैसे फिक्स होगा तो इसकी डेफिनेशन दी है ओके okay, वो चार्ट में मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके ऊपर सवाल पूछे ही आएगा लेकिन आपको नोट से अगर वो कॉपी करके लिखना हो तो लिख देना कि भाई अगर रजिस्टर्ड प्लेस है तो वो एक से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड प्लेस है तो जिसका डायरेक्टली कंसर्न आएगा ये यूजल प्लेस प्रेसिडेंट जो भी है

आता है तो परमिटेड बाई आरबीआई और लास्ट कंडीशन है कि जिसको आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो आपका डीडीपी नहीं होना चाहिए आपके एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए तो ये अगर पांच कंडीशन फुलफिल करते हो तो वो सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस मानी जाएगी उसके बाद में एक्सपोर्ट गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स में ए, कुछ नहीं एक ही लाइन है और क्या लाइन है कि एक्सपोर्ट गुड्स मतलब गुड्स टेकन और टेकन टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बस आप गुड्स इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं कस्टम जैसी डेफिनेशन है तो वो एक्सपोर्ट गुड्स माना जाएगा सर जैसे एक्सपोर्ट सर्विस होने के लिए सप्लायर इंडिया का होना चाहिए रिसिपियन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए पी ओ आउटसाइड इंडिया चाहिए पैसा कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज में आना चाहिए इतनी सारी कंडीशन है कि बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं बस गुड्स बाहर जाना चाहिए सप्लायर कहीं का भी हो रिसिपियट कहीं का भी हो पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं भी आया तो भी चलेगा ओके okay, हाँ कुछ केसेस में नोटिफिकेशन दिए और वो नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए लेकिन ओके okay, कुछ केसेस में ऐसा है अदरवाइज आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बस फिजिकली गुड्स इंडिया के बाहर जाना चाहिए जैसे कस्टम्स में एक प्रोसेस द टेरिटोरियल वाटर ओके okay, तो बाकी सारी कंडीशन पैसा कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज में आना चाहिए ऐसे कुछ भी नहीं है उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ गुड्स ये चैप्टर में जैसे एक्सपोर्ट पे हमने देखा तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये दो डेफिनेशन भी देख लेते हैं ये मानते हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो जीएसटी लगता है वो एज पर कस्टम्स एक्ट एसडी थ्री सेवन फॉर्म में लगता है कमन 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 क्या बेटा एसडी थ्री सेवन फॉर्म में लगता है एस डी थ्री नाइन फॉर्म में लगता है ओके okay, लेकिन लेवी आई जीएसटी की ये एक्ट के थ्रू है बाकी पूरा कलेक्शन वैल्यूएशन मैकेनिज्म कस्टम एक्ट के थ्रू है ओके okay, तो डेफिनेशन बिल्कुल कस्टम जैसी रखिए क्योंकि कस्टम एक्ट उसके ऊपर लगाना है और कस्टम जैसी डेफिनेशन मींस ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहेंगे फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में हमने क्या देखा था पहले सबसे पहले तो सप्लाई चैप्टर देखा था सप्लाई चैप्टर में हमने यह देखा था कि अगर कोई स... कब बोला क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई बोला जाएगा यस सेक्शन सेवन वन बी और सेक्शन सेवन वन सी पैराफोर देखे थे दो क्लॉजेस देखे थे बी कहता है कि अगर कोई सर्विस आप इंपोर्ट करते हो फॉर कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस लेने वाले ने बिजनेस के लिए ली हो ना लियो उससे कोई लेना देना नहीं आपने इंपोर्ट किया फॉर कंसिडरेशन तो वो केस

ओके okay, ये जानना बहुत जरूरी है पर उसके पहले एक एक प्रोविजन और आपको बता दूं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने हाँ देखा है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है और लेने वाला इंडिया में ध्यान सुनना <coughs> ओके okay, तो लेने वाला जो है ओके okay, लेने वाला इंडिया में होगा तो रिवर्स चार्ज लगता है अदर देन ओके यहां पे एन टी ओ आर एन टी ओ आर ओ आई डी आर सर्विस में हम आगे देखेंगे पर अलाइबिलिटी रिसिप पे आएगी उसके बाद में नेक्स्ट ये ये सारी प्रोविजन तो हमने देखी थी एक एग्जाम्सन देखा था और आई का एग्जाम्शन था अगर आप ध्यान से देखते हो तो आई का एग्जाम्पन में ये था ओके okay, ध्यान से सुन रहा हूं आई जी एस में यहां पे ये था कि अगर यहां पर अगर प्रोवाइडर बाहर है और लेने वाला गवर्नमेंट है इंडिविजुअल ध्यान सुनना अगर प्रोवाइडर बाहर है और लेने वाला गवर्नमेंट है इंडिविजुअल और इंडिविजुअल अदर देन फॉर बिजनेस यूज कर रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट है ओके या फिर आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल जो है वो भी इंडिया के बाहर है तो वो केस में एक्जम्शन भी मिलता है तो ये सारा कुछ हमने देखा था रिगार्ड स्पेशली फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बट वॉट डू मीन बाई इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या सिंपली ये कह दे कि बाहर से सर्विस यानी इंपोर्ट सर्विस नहीं इंपोर्ट सर्विस के लिए तीन कंडीशन बेसिकली पूरी होनी चाहिए और वो कौन सी तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया

इंडिया के बाहर जब आप जा रहे हो और वहां पे सर्विस लिया सप्लायर बाहर का होगा रिसिप इंडिया का होगा पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में नहीं बाहर फिक्स हुआ होगा प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन से ही फिक्स करेंगे तो वो सिचुएशन में इंपोर्ट सर्विस नहीं माना जाएगा इंपोर्ट सर्विस होने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में फिक्स होना चाहिए और अगर आपका इंपोर्ट सर्विस होता है तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज रिवर्सार्ज में लाइबिलिटी आ जाती है ओके तो ये चार कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया ओके उसके बाद में कुछ सेक्शन है जो सेक्शन सेवन इंटरस्टेट सप्लाई ओके okay, और सेक्शन एट स्टेट सप्लाई के बाद में, बात, में कर, बात करता हूं सेक्शन नाइन ऑफ द आई जी एस टी एक्ट सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर अगर आप ध्यान से ये चार्ट पढ़ो तो आपके सेक्शंस भी लर्न हो जाएंगे और आई जी एस टी एक्ट के जैसे आप यहाँ पे सी जी एस टी एक्ट के सेक्शन लर्न कर रहे हो वैसे आई जी एस टी एक्ट के भी सेक्शन आपके लर्न हो जाएंगे ओके okay, तो सेक्शन सेवन क्या कहता है सेक्शन सेवन जो है फाइव सबसे कवर करता है और वो कहता है कि ये पास सब सेक्शन में आने वाले ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरस्टेट कहलाई जाएगी और जिसके ऊपर आई जी लेवी होगी ओके तो अब मैंने इसको डिवाइड किया है सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ध्यान सुनिएगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके okay, तो कब बोला जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई तो ये आपको मालूम है एलओएस और पीओएस आपको इंटरस्ट फिक्स करने के लिए रिसिपियन कहां का है ओके okay, वो इंपॉर्टेंट नहीं पी बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ अगर आपका पीओएस ओ एस बेस है तो वो पीओएस लेकिन आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दो बातें देखनी पड़ेगी और एल ओके एस ओके ध्यान रखना जहां पे भी मैं एल ओ वर्ड यूज करूं मतलब लोकेशन ऑफ सप्लाई और पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर ये टू डिफरेंट स्टेट में स्टेट यूटी में है या यूटी यूटी में है तो वो सिचुएशन में यहाँ पर इंटरस्टेट कहा जाएगा

या U -T -U -T में देखा जाएगा और ये केस में आपको पी जो है वो सेक्शन ट्वेल्व से फिक्स करना पड़ेगा ओके okay, तो स्पेशली जब बात हम ओके okay, इंडिया की कर रहे हैं कि भाई दो अलग अलग स्टेट दो, दो अलग अलग यूटी लेकिन अगर आप बात कर रहे हो इंपोर्ट की ओके okay, इंपोर्ट के केस में तो अब यहां पे सेक्शन सेवन क्या कहता है सेक्शन सेवन टू और सेक्शन सेवन फोर ओके गुड्स का इंपोर्ट या सर्विस का इंपोर्ट ये भी इंटरस्टेट माना जाएगा चलो पहले बात करते हैं गुड्स का इंपोर्ट ओके एनी गुड्स जो है अगर सप्लाई गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल क्रॉसेज द कस्टम फ्रंटियर्स मतलब अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है और कस्टम फ्रंटियर्स क्रॉस नहीं करता है मतलब क्या जब तक वो इंडिया का पार्ट नहीं बनता है ओके तब तक वो इंपोर्टेड गुड्स माना जाएगा इंटरस्टेट माना जाएगा इन एडिशन टू बी सी डी आई जी एस टी पे लगेगा और आई जी एस टी एस डी थ्री सेवन ओके या फिर यहां पर जीएसटी कंपेंसेशन से नाइन के नाम से लगेगा तो इंपोर्ट गुड्स के बारे में कह दू तो इंपोर्ट गुड्स मतलब ब्रिंगिंग इन टू इंडिया प्लेस आउटसाइड इंडिया आई जी एस टी एस थ्री सेवन ओके या एस थ्री

इंडियन टेरिटरी में सप्लाई की ओके okay, अब ये इंपोर्ट सर्विस का कब बोला जाएगा तो अभी हमने तीन कंडीशन देखी थी क्या तो सप्लायर बाहर का चाहिए रिसिप इंडिया का चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन इंडिया चाहिए ओके okay, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आप जो फिक्स करोगे वो सेक्शन 13 के हिसाब से फिक्स करोगे कमॉन प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 के हिसाब से फिक्स करोगे ओके okay, और यहां ये इंपोर्ट सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज आएगा देखो एक्सपोर्ट होगा तो आपको जीरो रेट मिलता है और इंपोर्ट होगा तो आपको टैक्स देना पड़ता है फिर वो कस्टम में दो या सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज में दो और वैल्यूएशन इंपोर्ट सर्विस का सेक्शन 15 के हिसाब से होगा देखो इंपोर्टेड गुड्स होगा तो वैल्यूएशन कस्टम एक्ट के हिसाब से लेकिन सर्विस होगी तो कस्टम्स एक्ट लागू ही नहीं होगा अगर सर्विस होगी कस्टम्स एक्ट लागू ही नहीं होगा तो वो केस में वैल्यूएशन जो होगा एज पर सेक्शन फिफ्टीन ऑफ सी एक्ट के हिसाब से होगा तो ये हुई ना बात ओके तो ये हमने देखा रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू चार केसेस जहां इंटरस्टेट कहा जाता है अब सेवन फाइव क्या कहता है सेवन फाइव कहता है कि देखो आपने चार केसेस देखा चार केसेस में हमने गुड्स ओके गुड्स और सर्विस के बारे में कहा ओके okay, पहले तो विद इन इंडिया ट्रांजैक्शन लिए फिर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन लिए अब हम जो कह रहे हैं ओके सप्लाई आउटसाइड इंडिया ओके okay, आप इंडिया के बाहर सप्लाई करते हो तो वो इंटरेस्टेड वो भी इंटरेस्टेड माना जाएगा आई रिपीट इंडिया के बाहर सप्लाई करते हो तो वो भी इंटरेस्टेड माना जाएगा ओके okay, और यहाँ पे सेक्शन सेवन फाइव ओके okay, दोनों को अप्लाई होता है गुड्स और सर्विसेज यानी ये दोनों की कॉमन प्रोविजन दे रहा है और ये कॉमन प्रोविजन क्या दे रहा है भाई ओके okay, ये कॉमन प्रोविजन दे रहा है कि वेन सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया यानी अगर सप्लायर इंडिया का है और प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया यानी सप्लायर इंडिया का है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है ओके तो वो इंटरेस्टेड माना जाएगा वो इंटरेस्टेड माना जाएगा पर ख्याल रहे वो ये ये नहीं कह रहे कि वो एक्सपोर्ट माना जाएगा वो यहाँ पे इंडिया के बाहर आपने सप्लाई किया तो माना जाएगा आई जी एस टी लग जाएगा लेकिन लेकिन अगर आप यहां पे ये तो क्या है सप्लायर इंडिया का है और आपने ओके ध्यान सुनना सप्लायर इंडिया का है और आपने गुड सप्लाई किया इंडिया के बाहर आपने गुड सप्लाई किया इंडिया के बाहर आपको बात समझ में आई तो ऐसे सिचुएशन में वो जो है वो इंटरेस्टेड माना जाएगा डन अब यहां आईजीएसटी लग जाएगा पर इसको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स भी मिलते हैं तो सर इसको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स कब मिलते हैं जब ये आगे और कुछ कंडीशन फुलफिल करता है जैसे एक्सपोर्ट सर्विस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो केस में उसको बेनिफिट मिल जाएंगे एक्सपोर्ट गुड्स की कंडीशन फुलफिल कर रहा है और सेक्शन सप्लाई की कंडीशन फुलफिल कर रहा है ओके तब जाके उसको आई जी जो लगा हुआ है इंटरेस्टेड कहकर उसको जीरो मिलेगा ओके उसके बाद में टू और बाय टू एसी डेवलपर और एस अगर कोई ट्रांजेक्शन आप एस के साथ करते हो या एस

हम डिस्कशन हाँ इसके ऊपर कह रहे हैं कि कोई भी अगर टैक्सेबल टेरिटरी में गुड सर्विस दी गई और वो इंट्रा स्टेट में भी नहीं आता है थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है रिवीजन में मुश्किल से आपको समझेगा पर जाने दो ये टाइम ये पॉइंट पे इग्नोर भी मत करना पर वर्डिंग से देखो कितना समझ में आता है अगर कोई यहाँ पे सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में किया गया मतलब इंडिया में किया गया पर वो इंट्रा स्टेट में भी नहीं आता है और कहीं पर भी कवर नहीं आता है तो फिर वो स्टेट माना जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में ये तीन सिचुएशन है जिन्होंने उन्होंने पे पर स्टेट बोला गया है चलिए

गुड्स सप्लाई किया इंडिया में गुड्स या सर्विस सप्लाई की इंडिया में ओके okay, और लोकेशन ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विस और इंडिया में सप्लाई कर दी या फिर ऐसा भी हो सकता है तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर है या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में जा रहा है तो यहां पे कैसे कौन से स्टेट में फिक्स हो रहा है भाई ओके okay, ये तो वाटर में है okay, ओके तो कौन से स्टेट में फिक्स हो रहा है ये तो पता होना चाहिए क्योंकि कब बोलेंगे कि एल एंड पीओएस एस इन टू डिफरेंट स्टेट ओके वो इंटर है या इंट्रा है तो वो कहते हैं कि एल ओ एस और पीओएस एस यानी पहले केस में एलओएस या सेकेंड केस में पी ओके शाल बी डीम टू बी इन कोस्टल स्टेट और यूटी वेयर नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड मतलब क्या ओके okay, यहां पे आ, समझ लो लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र में और प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में तो अगर महाराष्ट्र हो गया प्लेस ऑफ तो इंटर स्टेट कहा जाएगा तो ऐसे केस में यहां पे जब भी कोई सर्विस टेरिटोरियल वाटर में हो तो एलओएस और पीएस कोस्टल पोर्ट के बेस पे डिसाइड किया जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो ये था रिगार्डिंग टू सेक्शन सेवन एट और नाइन अब आता है सेक्शन टेन पे ओके सेक्शन टेन जो बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स पीओएस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स अब देखो For of goods. Okay, किस तरह से? बहुत ही सिंपल इसमें दो सेक्शन है सिक्षन और उसके बाद में सेक्शन इलेवन सुनिएगा दो सेक्शन है, तो है? है कि पढ़ लेना है okay, मैंने बहुत कोशिश की है, चार्ट बनाते वक्त की सारे पैरामीटर भी कवर हो एग्जाम्पल्स भी कवर हो ओके okay, और आपको बहुत ईजी हो मैक्सिम चीजें इसमें कवर हो सो दैट ओके वन मंथ बिफोर एग्जामिनेशन आप जो है इसको बहुत अच्छे से रीड कर सको ओके okay, और फोकस कर सको कि क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है रेगुलर नोट से क्या पढ़ना है क्वेश्चन से क्या पढ़ना है ओके okay, यानी आपका ओके okay, ये चार्ट जो है अगर पूरा हो जाए तो सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस भी आ गया और बाद में आप एबीसी एनालिसिस भी कर सकते हो तो नौ ऐसे सिचुएशन में ये देखिएगा अगर गुड्स में मूवमेंट है ओके okay, फिर मूवमेंट सप्लायर ने किया रिसिपिंग ने किया या फिर एनी अदर पर्सन ट्रांसपोर्टर ने किया पर गुड्स में मूवमेंट है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगी ओके जहां मूवमेंट ध्यान से देखिएगा जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगी ओके फॉर डिलीवरी टू रिसिपियन ओके मतलब गुड्स मूव हो रहा है अगर वो मूवमेंट महाराष्ट्र में समझ लो सप्लायर महाराष्ट्र में लोकेशन ऑफ सप्लायर तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करेंगे ओके okay, अगर वो मूवमेंट महाराष्ट्र में टर्मिनेट होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र अगर वो मूवमेंट टर्मिनेट होगी महाराष्ट्र के बाहर फॉर डिलीवरी टू रिसिपिंग

बिल टू शिफ्ट टू मॉडल मतलब किसी थर्ड पर्सन ओके समझ लो ये जो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे ध्यान सुनिएगा ये थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे गुड सप्लाई हो रहा है ओके okay, और डायरेक्टली सप्लाई टू रिसीपेंट हो रहा है ओके okay, तो बिल इसके नाम का जा रहा है बिल टू

नहीं ओके यहां पे ये जो थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे पे उसके बेस पे उसका प्लेस ऑफ़ सप्लाई फिक्स होगा हाँ सेकंड बिल भी जब इसको जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन से बिल आगे जाएगा तो सेकंड बिल का प्लेस ऑफ सप्लाई ओके okay, वो क्लॉज ए के हिसाब से फिक्स होगा यानी जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो उसके बेस पे होगा लेकिन ओके okay, पहला बिल जो थर्ड पर्सन को दिया गया उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन लिया जाएगा नेक्स्ट ओके okay, अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं होगी मतलब गुड्स एज सच बेसिस पे सेल किए गए तो वो केस में लोकेशन ऑफ गुड्स ओके okay, फिर मूवमेंट ही नहीं है तो जहां गुड्स का लोकेशन है फॉर डिलीवरी वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर इंस्टॉलेशन असेंबली है ओके तो आपका प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली जहां आपने इंस्टॉल किया असेंबल किया

एट वीट सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड मतलब क्या वो गुड्स कहीं पे भी सर्व किया होगा भाई तुम जब एयर में थे कहीं पे भी सव किया होगा क्रूज में थे ट्रेन में थे कहीं पे भी सर्व किया होगा लेकिन जहां से गुड्स लोड हुआ ओके जहां से गुड्स लोड हुआ ओके वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर कोई भी गुड्स कन्वेंस में बेचे जाते हैं ओके तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे सेक्शन टेन टेन में ओके okay, अलग अलग सिचुएशन ओके okay, अच्छे से पढ़ लेना ओके okay, नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन एलेवन एलेवन प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स सर हम प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स क्यों क्योंकि उसके ऊपर तो गुड्स पे तो एस डी थ्री सेवन लगता है कस्टम ड्यूटी आती है बेटा एस डी थ्री सेवन का फिफ्टी परसेंट स्टेट को दिया जाता है और जो स्टेट में ध्यान सुनना जो स्टेट में यहाँ पे उसका पी आएगा उस स्टेट को एस डी थ्री सेवन का फिफ्टी परसेंट शेयर किया जाएगा तो ऐसे केस में इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया अगर इंपोर्टेड गुड्स होगा तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर इंपोर्टर अगर महाराष्ट्र का है तो एस री थ्री सेवन का फिफ्टी परसेंट महाराष्ट्र को मिलेगा ओके okay, कस्टम्स का अगर इंपोर्टर यहां पे गुजरात का है इवन तो उसने लैंडिंग महाराष्ट्र में करवाई होगी मुंबई पोर्ट पे करवाए पर करवाएगी पर इंपोर्टर कहां का है गुजरात का है तो फिफ्टी जो है गवर्नमेंट किसको देगी गुजरात को इस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सिर्फ एक लॉजिक बता रहा हूं फॉर योर नॉलेज की भाई इंपोर्टेड गुड्स में एस री थ्री सेवन एस लगने के बाद कस्टम ड्यूटी लगने के बाद उसका पीओएसएम क्यों फिक्स करते हैं तो उसका पीओएस बेटा शेयरिंग ऑफ द रेवन्यू

इट इंस्पायर मी और आपका थम अगर मुझे इंस्पायर करता है तो मैं एग्जाम के लिए आपको और इंस्पायर करूंगा और अच्छे से रिविजन करके दूंगा ओके okay, तो यहां पे ठोको लाइक और यहां पे बताओ कि आपको रिविजन अच्छे से समझ में आ रही है नहीं आ रही है यस yes और जहां तक है मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि क्वेश्चन जो है सेल्फ करना स्टार्ट करो मेरे वीडियोस आते रहेंगे उस पर डिपेंडेंट मत रहो सेल्फ पढ़ो चार्ट बुक आपको यहां पे जो है अभी तो मैंने शेयर किया है आपको ही प्रिंट निकालनी है जो यहां पे चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेक्शन सेक्शन और 30. सारी और सारी सिचुएशन रूल्स कवर करने की कोशिश की है ठीक है यहाँ पे थोड़ा ऐसा क्रॉडी क्रॉडी लग रहा है पर बेटा कोशिश है कि एक पेज पे पूरा आपके सामने रहे और आप इजीली कंपेयर कर सको सेक्शन ट्वेल्व और सेक्शन थर्टी तो अब हमने प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स देखा ओके okay.

सर्विस इज इंडिया 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 मतलब सप्लायर भी में, भी में में तो आप पीओएस सेक्शन 12 से फिक्स करोगे और अगर एटलीस्ट एक पार्टी मतलब सप्लायर और इंडिया के बाहर है तो आप सेक्शन 13 के हिसाब से पीओएस फिक्स करोगे ऐसा ट्वेल्व वन और थर्टीन वन कहता है चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं थोड़ा इजी वे में मैंने आपको यहां पे सेक्शन 12 करके दिया है इजी वे में कैसे तो थो थोड़ा आपको बताना चाहूंगा ओके okay, मैंने यहाँ सबसेक्शन के सिक्वेंस में नहीं लिया ओके okay, ये जो है ओके ट्वेल्व टू ट्वेल्व फाइव ट्वेल्व सेवन ट्वेल्थ एट ट्वेल्व नाइन जो कॉमन प्रोविजन है वो एक साथ ले ली है ओके okay, तो आपको जो है ये सिक्वेंस में नहीं मिलेगा क्यों मैंने एक साथ लिया है उसका रीजन भी बताता हूं ओके okay, पहले तो ट्वेल्व टू ले लेते हैं ट्वेल्व टू क्या है जनरल रूल है जनरल रूल मतलब आप जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे फिक्स करोगे अगर आपकी सिचुएशन ट्वेल्व थ्री से लेके तो ट्वेल्व थर्टीन तक 12, 14 तक कवर नहीं होती इसलिए आपको जो है ओके ये टेबल बाय हार्ट लर्न कर लेना है। ये टेबल की प्रिंट तो आपके ओके जो आप पढ़ाई करते हो पढ़ाई का जो स्टडी टेबल है उसके सामने लगा देना ओके रोज यहां पे दो मिनट इसको देखना ओके ये इतना बाय हार्ट लर्न हो जाना चाहिए टेबल के, इसका केस स्टडी आई कि आप क्लियर है कि क्या है तो ठीक है इसकी कोई मेमोरी टेक्निक है तो वो भी बना लो जितना आप इसके ऊपर वर्क करोगे उतना कम है ओके okay, तो जहां तक देखा है क्योंकि इसमें लर्निंग पार्ट है इसमें समझाने लायक कुछ ज्यादा नहीं लर्निंग पार्ट है तो जनरल रूल ये कहता है कि आपका ओके okay, यहाँ पे पीओएस अगर एड्रेस इन रिकॉर्ड यानी सप्लायर के पास आपका एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लाई आपका पीओएस माना जाएगा ठीक है, है।, है, तो है मतलब जनरली आपको जो पीओएस फिक्स करना है लोकेशन ऑफ रिसिपियन एड्रेस होगा तो नहीं होगा एक्सेप्शनल केस है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई अगर ये ट्रांजेक्शन सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड होगा यानी ये ट्रांजेक्शन बी टू ध्यान सुनिएगा ये बी टू सी होगा अगर ट्रांजेक्शन बी टू बी होगा अब ख्याल रहे ओके यहाँ पे बी टू बी मैंने कॉमन करके रखा है क्योंकि इतनी सर्विसेज है ओके ये आपको याद रखने आसान होगा कि ये जो सर्विसेज दी है इनका जब भी बी टू बी होगा तो ट्रांजेक्शन दो इसमें डिवाइड होगा बी टू बी और बी टू सी अगर ट्रांजेक्शन बी टू बी है तो जनरली ओके पीओ एस लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन यानी इनवाइस पे जो आप एड्रेस डाल रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन का, रजिस्टर का जो एड्रेस डाल रहे हो ओके okay, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में वो उसका पीओ एस माना जाएगा अगर ट्रांजेक्शन बी टू बी है इसलिए ओके okay, यहाँ पे ये यह जो सर्विस है ट्वेल्व टू से लेके तो यहां पर ट्वेल्व थर्टीन तक ये यह जो यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके ये जो सिक्स सर्विसेस है ओके okay, ये सिक्स सर्विसेज को ऐसा लर्न करना कि भाई ये इसके ऊपर कोई भी केस स्टडी आई सिक्स सर्विसेज पे तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा बी टू बी और बी टू सी और बाकी सर्विसेज को आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है वो बी टू बी हो या बी टू बी टू सी हो एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होगा लेकिन ये जो छह सर्विसेस है छह सर्विसेस में आपको ट्रांजेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन बी टू बी है या बी टू सी है बी टू बी होगा तो दैट्स सॉप Okay, जो आपका रिसिपियट है उसका रजिस्टर्ड प्लेस जो आपका रिसिपियंट है उसका रजिस्टर्ड प्लेस ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा या जिसका जो रजिस्टर्ड प्लेस से डायरेक्टली कंसर्न आ गया वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा हाँ बी टू सी होगा बी टू सी होगा तो वो सिचुएशन में यहां पर ध्यान से देखिएगा एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपियन नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई चलिए दूसरा ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सर्विस यानी हमारी सर्विस ट्रेनिंग सर्विसेज ओके ट्रेनिंग सर्विसेज में बी टू बी होगा यानी मैं अगर आपको बी टू बी में बिल दे रहा होगा तो फिर लोकेशन आपका लोकेशन महाराष्ट्र में होगा तो इंट्रा स्टेट सप्लाई आपका लोकेशन अगर अदर स्टेट में होगा तो मेरा पीओ एस अदर स्टेट में फिक्स हो जाएगा तो बी टू बी के केस में तो ये होगा कि लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन अगर ट्रांजेक्शन बी टू सी है ओके आप स्टूडेंट हो ट्रांजेक्शन बी टू सी है कोई आपको क्रेडिट लेना नहीं है ओके और आप कोई रजिस्टर प्लेस पर नहीं ले रहे हो ओके यानी बिल में नहीं ले रहे हो तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जहां मैं परफॉर्म करूंगा वही पीओएस माना जाएगा अब प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस में बेटा यहां पे ओके हाँ जो फेस टू फेस क्लासेस है तो उनका तो पीओएस ओएस यहाँ पे रहेगा लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस है तो ऑनलाइन क्लासेस में अभी तक तो क्लैरिटी नहीं है पर मैं आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस में ओके okay, बहुत से व्यू ये है कि प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जहां हमारे पीडीओडी लेक्चर चल रहे हैं इसलिए मैं बहुत सी बार आई जी लगाता हूं क्योंकि जहां पीडीओडी लेक्चर चल रहे हैं वो उसका प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा वॉट डू इट में बी पर बी टू बी तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन और बी टू सी तो ये यह यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन ट्वेल्व सेवन सेक्शन क्शन ट्वेल्स है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इंक्लूडिंग एनसिलरी सर्विसेज एंड स्पॉन्सरशि क्या है स्पॉन्सरशिप भी इसमें आता है मतलब ओके okay, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रही है या उससे कनेक्टेड कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गए मतलब इवेंट मैनेजमेंट में यहां पे स्पीकर सिस्टम लगने वाला है ओके इवेंट मैनेजमेंट में यहां पे लाइट्स लगने वाला है तो इवेंट ओके मैनेजमेंट कंपनी स्पीकर प्रोवाइड वाली कंपनी या लाइट्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी या, या उस इवेंट के लिए कैमरा प्रोवाइड करने वाली कंपनी या उस इवेंट इवेंट के के लिए लिए देने वाली कंपनी यानी उस के लिए जितने भी लोगों ने सर्विस दिया होगा उनका ध्यान सुनिएगा उसका place of supply, general rule से मत fix करना ओके, आ, वैसे कैमरा सर्विस में जाती है पर इवेंट के साथ अगर कैमरा सर्विस 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 है light service, light service है ओके, यहाँ पे speaker है mic है पे तो वो सिचुएशन में उसका जहां इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है वो लिया जाएगा इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन बी टू सी और बी टू बी होगा ओके तो बी टू बी होगा तो लोकेशन ऑफ स रजिस्टर पर्सन और बी टू सी होगा तो जहां इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ लेकिन अगर वो इवेंट इंडिया के बाहर होता है ओके okay, तो लोकेशन ऑफ रेसिपियट लिया जाएगा ध्यान सुनिएगा बी टू बी होगा तो जहां रजिस्टर प्लेस है बी टू सी होगा तो जहां इवेंट होगा अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपेंट लिया जाएगा चलो ये बात हुई अब इससे रिलेटेड एक आई जी एस टी रूल भी है ओके अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट इवेंट का मल्टीपल स्टेट में लिया है हाँ ये रूल जो फाइव है ये स्पेशली कवर करता है मल्टीपल स्टेट ओके ओके तो मल्टीपल स्टेट में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ठीक है अब मल्टीपल स्टेट में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है एक एक मिनट पहला पॉइंट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइडेड नहीं है मल्टीपल स्टेट में लिया हुआ है ओके okay, तो कंसोलिडेटेड अमाउंट पे लिया गया है ओके okay, और उसमें बाइफर्गेशन नहीं दिया है ओके okay, तो स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर सेपरेटली कलेक्टिंग मतलब क्या अलग अलग स्टेट वाइज नहीं दिया तो आपको जो है लॉ okay, ये कहता है कि आपको ईच स्टेट वाइज उसको बायफरगेट करना पड़ेगा अब ई स्टेट वाइज कैसे बायफरगेट करेंगे क्योंकि आपका पीओ स्टेट वाइज फिक्स होगा समझ लो मैंने इवेंट जो है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने महाराष्ट्र दिल्ली और यहां पे गुजरात का इवेंट लिया है तो आ, और वो अगर सिंगल अमाउंट पे है बायफरगेट नहीं हो रहा है तो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा और आपको जो अपोर्शन करना है उन्होंने सिंपल रूल में कहा है और वो ये कहा है कि वो आपको जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे करना पड़ेगा ओके okay, तो एग्जाम में नहीं आएगा आपको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा कि गैप के बेस पे करना पड़ेगा मतलब क्या कि कितना आपका लेबर लगा टाइम लगा इवेंट कितने दिन का था यह आपको अपने रिकॉर्ड्स में फिक्स करके जो इवेंट महाराष्ट्र में है ओके जो इवेंट दिल्ली में और जो इवेंट गुजरात में उसको पी अलग अलग फिक्स करने पड़ेंगे अब समझ लो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मुंबई की है महाराष्ट्र की है तो जितना इवेंट महाराष्ट्र में उसका वो इंटरेस्टेड माना जाएगा जितना प्रोपोर्शन दिल्ली में हुआ तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली और गुजरात तो उसको वहां पर इंटरेस्टेड माना जाएगा चलिए तो हमने रूल फाइव देखा उसके बाद में हाँ ये कब बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ऑर्गेनाइजेशन इवेंट है अगर ट्रांजेक्शन एक बार फिर से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पे बी टू बी है तो वो सिंगल स्टेट में हो या मल्टीपल स्टेट में हो अगर ट्रांजेक्शन बी टू बी है तो जो रजिस्टर्ड प्लेस पे बिल जा रहा है वो पीओएस। फिर आपने पूरे इंडिया का इवेंट मैनेजमेंट क्यों ना लिया हो रूल फाइव तभी अप्लाई होता है अगर आपने यहां पे बी टू सी ट्रांजेक्शन किया हो और बी टू सी मल्टीपल स्टेट में किया हो तो ये रूल लगाना बी टू बी केस में बहुत क्लियर है ओके इसलिए मैंने देखो अरेंजमेंट भी कैसा लिया ये रूल फाइव को बी टू की बी के साथ मर्ज ही नहीं किया ये सिर्फ स्पेशली वो केस में अप्लीकेबल है ओके जब आपका बी टू सी ट्रांजेक्शन हुआ हो समझा होगा तो कहिए यस सर ओके उसके बाद में सेक्शन ट्वेल्व ट्र, एट ट्र, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ओके okay, हमने देखा था पूरी एग्जाम्शन लिस्ट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में क्या टैक्सेबल है क्या नहीं टैक्सेबल है पूरा डिस्कशन और कॉन्सेप्ट हमने केयरफुली देखा था यहाँ पे बाय रोड होगा तो बाय ट्रेन होगा तो बाय वेसल होगा तो ओके यार वाटर होगा तो एयर होगा तो हमने पूरा डिस्कशन किया था वो टैक्सेबल हो एग्जाम उससे लेना देना नहीं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या तो गुड ट्रांसपोर्टेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ओके okay, जहां गुड्स हैंड ओवर किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन जहां डेस्टिनेशन है वो नहीं अगर आप पीओ सेक्शन 12 में फिक्स कर रहे हो ध्यान सुनना आप, आप अगर सेक्शन 12 में पीओ फिक्स कर रहे हो 12 में कब फिक्स करोगे जब सप्लायर रिसिप इन इंडिया में तो 12 में फिक्स कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेल और कुरियर इन तीनों का जो पीओ एस है और जहां हैंड ओवर किया और वो उसका पीओ समझ लो मैंने कुरियर भेजना है और मैंने पुणे में हैंड ओवर किया तो लोकेशन ऑफ सप्लायर पुणे और प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे इंटरेस्टेड कहा जाएगा अगर मैंने यहां से गुड्स मुझे दिल्ली भेजना है और मैंनेड ओवर पुणे में किया तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे ही माना जाएगा ओके okay, और इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो फिर पी डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स जहां गुड्स का डेस्टिनेशन है वैसे डेस्टिनेशन बेस नहीं सेक्शन 12 में डेस्टिनेशन बेस नहीं सेक्शन 12 में जहां हैंड ओवर किया गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन वो लिया जाएगा लेकिन यहां पर जहां तक देखा जाए आ, अगर गुड्स इंडिया के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो फिर डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स वो कंटिन्यू किया जाएगा उसके ओके ये ये ओके ये ये कब जब बी टू सी हो अगर ट्रांजेक्शन बी टू बी हो तो क्लियर है अगर ट्रांजेक्शन बी टू बी हो और ट्रांसपोर्टेशन तो ये केयरफुली देखना है छह सर्विस में कि ट्रांजेक्शन बी टू बी हो और बी टू सी है क्या बी टू बी हो तो फिर रजिस्टर्ड वो तो दिमाग ही नहीं लड़ाना कि वो रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस है वो प्लेस अगर बी टू सी हो तो ये सारा कुछ आपको देखना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में जो भी टैक्सेबल होगा

जहां से फॉर कंटिन्यूअस जर्नी बैठा है ठीक है लेकिन अगर राइट टू पैसेज आपके पास होगा राइट टू पैसेज मतलब क्या राइट टू पैसेज मतलब आपके पास मेट्रो कार्ड होगा पास होगी ओके okay, और ये क्या है कि अभी आप नहीं करने वाले पर आपने एक महीने का पास ले लिया तीन महीने का पास ले लिया कार्ड ले लिया तो और फ्यूचर में आप यहां पे ट्रांसपोर्ट करने ये सर्विस लेने वाले हो और उसमें एम्बारकेशन और नॉट नोन कहां से बैठने वाले हो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से बैठने वाले हो आपको नहीं पता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर राइट टू पैसेज होगा तो वो सिचुएशन में बी टू सी ट्रांजेक्शन होगा कम ऑन राइट टू पैसेज होगा बी टू सी ट्रांजेक्शन होगा तो वो सिचुएशन में टू यानी जनरल रूल से फिक्स किया जाएगा एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसीप नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई ओके यहां पर आई होप यू अंडरस्टूड तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया है कि अगर ये छह सर्विस है ओके प्रॉब्लम सोल्व करते हो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार ये कभी

तो आप आप जब दो साल के थे तो बिंदास थे कुछ भी करते थे ओके बिंदास थे कुछ भी करते थे यानी जनरल रूल बिंदास हो आप ओके तो लेकिन जब पांच साल के हुए तो स्कूल गए ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस ओके पांच साल के हुए फिर जब आप सात साल के हुए ओके तो यहां पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखा ओके अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट जब आप सात साल के हुए जब आप आठ साल के हुए तो पहली बार आपने अपने साइकिल पर किसी को डबल सीट बैठाया ओके सॉरी आठ साल के हुए तो पहली बार साइकिल खरीदी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स साइकिल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड साइकिल खरीदी और जब नौ साल के हुए तो पहली पहली बार जिंदगी में डबल सीट किसी को बैठाया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और जब तेरह साल के हुए तो पहली बार आपके पापा ने उसका आपका इंश्योरेंस निकाला ओके तो देखिए यहां पे समझा होगा ओके तो लाइक जरूर कीजिएगा तो आप ओके okay, दो साल के थे बिंदास थे जनरल रूल ओके बी टू बी बी टू सी ओके ये यहां पे उसके बाद में पांच साल में स्कूल में गए ओके सात साल में अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखा फिर आपने साइकिल खरीदी साइकिल से ओके okay, डबल सीट बैठाया और इंश्योरेंस निकाला गया चलिए ओके ये था रिगार्डिंग टू यहां ओके ये छे आपको बी टू बी और बी टू सी में डिवाइड करना है इसके बाद आपको बी टू बी बी टू सी में डिवाइड नहीं करना है फिर इसके बाद तो सीधा सीधा चलना अब ट्वेल्थ ओके ट्वेल्थ थ्री क्या कहता है जस्ट मिनट चलिए अब ट्वेल्थ थ्री क्या कहते हैं अगर आपकी सर्विस इमुएबल प्रॉपर्टी रिलेटेड होगी या फिर होटल इन गेस्ट हाउस अकोमोडेशन सर्विस होगी शॉर्ट में दिया है यहाँ पे वैसे बुक में बहुत लंबा है शॉर्ट में दिया है पर उसी शॉर्ट को मैंने नीचे डिवाइड करके भी दिया है एस पर रूल्स यानी आपको इस ये, ये अगर पढ़ लिया तो आपको आइडिया आ जाएगा ट्वेल्थ थ्री में क्या होगा तो आपकी सर्विस अगर इमुएबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है और सप्लाई रिसिपियन दोनों इंडिया में है, तो जहां इमोएबल प्रॉपर्टी होगी ध्यान सुनिएगा जहां इमोएबल प्रॉपर्टी होगी वो आपका प्लेस ऑफ आप सप्लाई माना जाएगा और अगर इमोएबल प्रॉपर्टी जो है इंडिया के बाहर होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपियन माना जाएगा अब इसमें ख्याल रखना यहां पे होटल सर्विस भी आ जाती है इसलिए होटल के बिल जो है इंडिया में कभी आईजीएसटी के नहीं मिलते हैं होटल के बिल आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे इमुएबल प्रॉपर्टी जहाँ होगी ओके वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा इसलिए ओके आप जो है आप कहीं के भी हो मैं दिल्ली गया मैं हूँ महाराष्ट्र का मैं उसको कहूंगा मैं महाराष्ट्र को मुझे आईजीएसटी का बिल चाहिए नहीं देगा वो क्यों क्योंकि क्यों? लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली और इमोबल प्रॉपर्टी दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई तो होटल के बिल मैक्स ओके आईजीएसटी के मुझ नहीं आएंगे होटल के बिल आपको जब भी आएंगे ओके इमोबल प्रॉपर्टी क्यों ना फॉरन टूरिस्ट हो ओके फॉरेन टूरिस्ट में भी आगे में सेक्शन थर्टीन लग जाएगा ओके okay, पर वॉटर इट में भी जहाँ इमोबल प्रॉपर्टी है ओके okay, वही तो उसको सी और एस ही लगेगा हाँ इमोबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो फिर लोकेशन ऑफ रिसिपियन फिर आई का बिल आ सकता है अगर इमोबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है ओके तो यानी सप्लायर भी इंडिया में ओके okay, समझ लो मेरा एक फ्लैट दुबई में एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक फ्लैट दुबई में तो मैं वो रेंट पर देता हूँ तो सप्लायर इंडिया का है ओके okay, और रिसिपियंट कोई दुबई जा रहा है ओके okay, तो वो भी इंडिया का है तो हमने कहा चल तू जा रहा है, एक के लिए मेरा है बाहर तो यहां पे फिर POS, के बेस पे नहीं ओके लोकेशन ऑफ रिसिपियन मतलब तू अगर महाराष्ट्र होगा तो सीजीएसटी एच जीएसटी और अदर स्टेट का होगा तो फिर आईजीएसटी वहां आई का बिल आ सकता है समझा होगा तो कही सर यस सर ओके चलिए ये हमने देखा लेकिन इससे रिलेटेड एक रूल है क्या रूल है देखो कभी कभी जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है इमोएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिर्फ इमोएल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एजेंट एक्सपर्ट लॉजिंग होटल इन गेस्ट हाउस अकोमोडेशन सर्विस मैरिज फंक्शन कुछ कवर होता है इंक्लूडिंग वेसल ओके वेसल हाउस बोट और वेसल में अकोमोडेशन इसमें यह सर्विस में कवर होता है तो जब अगर ये सर्विस मल्टीपल स्टेट में जैसे यहां पे एग्जाम्पल लो महिंद्रा महिंद्रा होटल ओके okay, तो ये आपको जो है मेंबरशिप देती है मेंबरशिप में आपको सेवन डेज एट नाइट्स अलग अलग स्टेट में कहीं पर भी रहे देती है तो अगर मल्टीपल स्टेट्स में आपकी सर्विसेज जा रही है और वो बाइफर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट अपसेंट है कंसोलिडेटेड अमाउंट है तो फिर देखो ये रूल कब लगाना रूल फोर कब लगाना जब मल्टीपल स्टेट में ओके okay, पे वैल्यू बाइफरगेटेड नहीं है और तीसरा ओके इन दबसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है ओके okay, तो तो ये रूल अप्लाय हो गए और ये रूल कहते हैं कि फिर अपोर्शनमेंट कैसा होगा क्योंकि आपका पीओएस तो स्टेट वाइज ही फिक्स होगा ओके okay, तो अपोर्शनमेंट कैसा होगा तो देखो वो पहला क्या कहते हैं अगर लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विसेज़ होगी बाय होटल ओके लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस होगी इन गेस्ट हाउस होटल कंपोजिट अदर देन टू टू मतलब नीचे छोड़ के सेकंड वाला छोड़ के लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस होगी ओके तो वो केस में नंबर ऑफ नाइट्स ओके जहां जहां आप रुके वहां पीओएस फिक्स होगा जैसे महिंद्रा आपको एट एट नाइट नाइन डेज देता है तो वो केस में आपको पूरे साल भर में भाई आठ नाइट मिलेगी तो आप ओके okay, तीन दिन यहां धर्मशाला रुके हिमाचल रुके उसके बाद में दो दिन आप ओके okay, कर्नाटक रुके जो भी एम uh, यूपी रुके तो वो सिचुएशन में जितने नाइट्स आप रुके ओके okay, उसके प्रोपोर्शन में वो जो पूरी मेंबरशिप आपको दी गई उसको बायफरगेट किया जाएगा ओके okay, यहाँ पे ये जो है नंबर ऑफ नाइट्स लेकिन अगर वो सिंगल प्रॉपर्टी होगी यानी रेसिडेंशियल है लॉजिंग है सिंगल प्रॉपर्टी होगी लोकेटेड इन टू और मोर कॉन्टिन्यूस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ओके तो फिर क्या करें ओके okay, है साउथ है चंडीगढ़ और पंजाब ओके okay, कोई एक बड़ा होटल है और ये बड़ा होटल कुछ 20-25 एकड़ में है जिसका आधा प्रॉपर्टी जो है ओके okay, वो यूटी में है आधा प्रॉपर्टी जो है कॉन्टीजस स्टेट मतलब कुछ पार्ट ये स्टेट में कुछ पार्ट ये स्टेट में गोवा में ऐसा गोवा गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे एक होटल है ऐसा कि कुछ पार्ट ये और कुछ पार्ट इधर आ जाता है तो अगर कोई ऐसी सिंगल प्रॉपर्टी होगी जहां लॉजिंग अकोमोडेशन सर्विस दिया जा रहा है और वो जो है यहां पे ध्यान सुनिएगा वो जो है यहां पे टू कॉन्ट्रीज स्टेट के बीच में होगी तो वो केस में ओके नंबर ऑफ नाइट्स नहीं ओके okay, एरिया के बेस पे बायफर्गेशन किया जाएगा यानी जो टोटल होटल का बिल बनेगा वो होटल का बिल कितना होटल का पार्ट इस स्टेट में और कितना होटल का पार्ट इस स्टेट में उसके बेस पे बायफर्गेट किया जाएगा ओके okay. Uh, चलो ये तो हुआ लॉजिंग लॉजिंग अकोमोडेशन दूसरा क्या ऑल अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी जैसे okay, यहाँ पे मैरिज फंक्शन है रिसेप्शन है या बाकी सारी सर्विसेज कंस्ट्रक्शन है आर्किटेक्ट सर्विस है एक्सपर्ट है एजेंट सर्विस है और ये मल्टीपल स्टेट में प्रोवाइड किया तो वो एरिया वो भी एरिया के बेस पे ही डिवाइड किया जाएगा और हाउस बोट या वेसल में सर्विसेज होगी इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विसेज ओके तो वो केस में टाइम स्पेंड इन हाउस मतलब क्या बहुत सी बार क्या होता है क्रूज शिप क्रूज शिप यहाँ पे मुंबई से गोवा वगैरह जा रही है अब वो क्रूज शिप की टिकट जो है कैसे बाय बायफरगेट करे ओके okay, या फिर हाउस बोट है और हाउस बोट आपको लेके जा रही है तो कैसे बाय बायफरगेट करे तो वो सिचुएशन में कितना टाइम आपने महाराष्ट्र में स्पेंड किया और गोवा में स्पेंड किया उसके बेस पे वो अमाउंट यहाँ पे बाय बायफरगेट किया जाएगा चलिए ये तो हुआ यहां पे इमोएबल प्रॉपर्टी रिलेटेड रेस्टोरेंट अब देखिए फटाफट यहां पे रेस्टोरेंट कैटरिंग पर्सनल ग्रूमिंग फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी ओके तो ये तो लर्न करना पड़ेगा तो ये सारी सर्विसेज वे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म है यानी रेस्टोरेंट का बिल ऑलवेज आपको सी और एस का ही आना है आई का नहीं आना है ओके या फिर ग्रूमिंग फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट से क्यों क्योंकि जहां सर्विस परफॉर्म हो रही सॉरी रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट का बिल आपको सी जी एस टी एस जी एस टी का आएगा कैटरिंग का डिपेंड्स ओके कैटरसा क्योंकि ये मूव होते हैं ग्रूमिंग फिटनेस डिपेंड अगर कैटरस यहां पे राजस्थान जा रहा है कैटरस एम पी यूपी जा रहा है ओके तो जहां वो सर्विस परफॉर्म करेगा उसके बेस पर पीएस होगा और वो सी जी एस टी एस जी एस टी और आई जी एस टी वो मिल सकता है सिर्फ रेस्टोरेंट मूव नहीं हो सकते अगर ये मूव नहीं हो सकते तो उसके वो सिचुएशन में वो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वही रहेगा जहां रेस्टोरेंट है बाकी सब चीजें मूव हो सकती है तो उसमें सी जी एस टी आई जी एस टी का बिल आपको मिल सकता है उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे एडमिशन टू इवेंट ख्याल रहे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट के केस में बाइफर्गेशन है ओके इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो होगी वहां बाइफर्गेशन है बी टू सी और बी टू बी लेकिन अगर एडमिशन टू इवेंट है एडमिशन मतलब टिकट चार्जेस ओके ये टिकट चार्जेस इवेंट है अम्यूजमेंट पार्क है तो ऐसे केस में जहां आपका इवेंट होगा या जहां पार्क लोकेटेड है उसके बेस पे आपका पीओएस फिक्स किया जाएगा ओके सर्विस ऑन ऑनर्ड ऑफ कन्वेंस देखो बोर्ड और कन्वेंस पे गुड्स दिया तो जहां से गुड्स लोड हुआ और अगर कन्वेंस के बोर्ड पे सर्विस दी सुनो 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 कन्वेंस के बोर्ड पे सर्विस दी कन्वेंस में भी वेसल में भी एयरक्राफ्ट में भी मोटर व्हीकल में भी ट्रेन और सर्विस दी जा रही है तो फिर जहां उसका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा मतलब समझ लो आपको कन्वेंस में एंटरटेनमेंट सर्विस दी जा रही है कन्वेंस में आपको यहां पर कैटरिंग सर्विस दी जा रही है तो पहली बार सुबह सुबह फ्लाइट जहां से निकली थी या ट्रेन जहां से निकली थी पहला शेड्यूल पॉइंट जो होगा वो उसका, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा यानी आज दिन भर में कन्वेंस में कहीं पर भी सर्विस दो उसका पीओएस जब पहला पहला शेड्यूल पॉइंट जो फ्लाइट का होगा वही उसका पीयूएस माना जाएगा ओके फॉर दैट कंटिन्यूस जर्नी उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ओके ब्रॉडकास्ट डीटीएच सर्विस एक्सेट्रा अगर आपकी फिक्स लीज लाइन है तो लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन आपका पीएस माना जाएगा पोस्टपेड मोबाइल इंटरनेट डी होगा बिलिंग एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपियन नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच तो यहां पे ओके सप्लाई थ्रू एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो पीओ एड्रेस ऑफ एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई टू फाइनल कंज्यूमर मतलब क्या अगर हम प्रीपेड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेच रहे हो तो जो कंपनी जैसे आइडिया कंपनी बीएसएनएल कंपनी एजेंट के थ्रू बेच रही है तो एजेंट का जो एड्रेस है वो ओके okay, और प्लेस ऑफ सप्लाई ओके एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से काट दो मैं करेक्शन कर लूँगा और अगर सप्लाई टू फाइनल कंज्यूमर होगा डायरेक्ट आपने एजेंट के लिए टू नहीं सप्लाई टू कंज्यूमर कर दिया होगा मैं वो करेक्ट कर लूंगा कंज्यूमर होगा आपने डिस्ट्रीब्यूटर के नहीं डायरेक्ट कंज्यूमर तो लोकेशन ऑफ पेमेंट रिस्यूव और वाउचर सोल्ड जहां डायरेक्ट कंज्यूमर को सर्विस दे रहे हो एजेंट के थ्रू नहीं दे रहे हो तो फिर जहां से ओके okay, आपने वाउचर सोल्ड किया वो इंपॉर्टेंट है इन अदर केस एड्रेस है तो रिसिपियन नहीं है तो सप्लायर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी आप जो है पेटीएम से कर रहे हो या ऑनलाइन यहाँ पे प्रीपेड एक्टिवेट कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ रिस के बेस पे आपका पी माना जाएगा ठीक है इसमें रूल सिक्स ये कहता है लीज सर्किट लाइन होगी तो जितने आपके पॉइंट्स बनते हैं ओके जितने आपके पॉइंट्स बनेंगे उसके बेस पे पीओएस होगा अगर मल्टीपल स्टेट में होगा तो उसके बाद में बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर होगा तो पीओएस इज द एलओआर ओ ओके इफ एड्रेस इज अवेलेबल ओके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग ध्यान रहे इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग होगा तो आपका पीओ इफ एड्रेस अवेलेबल इन द रिक्ड ऑफ सप्लाय मतलब अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई और लास्ट अगर एडवर्टाइजमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस होगी तो वो ई स्टेट में बाइफरगेट होगा इससे रिलेटेड रूल थ्री है रूल थ्री आपने पढ़ लेना मैंने कवर नहीं किया है अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से एडवर्टाइजमेंट को बाइफरगेट किया जाता है वो रूल थ्री में यहां पे दिया हुआ है तो इस तरह से सेक्शन ट्वेल्व के अलग अलग सिचुएशन मैंने लिए है इसका ये पेपर का जुरॉक्स निकाल के आपके स्टडी टेबल के सामने रख देना ऑलवेज इसको पांच मिनट रीड करते रहना ये लर्न हो जाना चाहिए चलिए चलो सेक्शन थर्टीन हमने देखा ट्वेल्व अब आ जाते हैं सेक्शन थर्टीन पे थर्टीन में पीओएस का फिक्स होता है ध्यान सुनिएगा थर्टीन में जो पीओएस फिक्स होता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर ओके या रिसीपिएंट दोनों में से कोई एक पार्टी इंडिया के बाहर ओके okay, या दोनों पार्टी इंडिया के बाहर तो फिर आप ट्वेल्व नहीं लगाओगे फिर थर्टीन लगाओगे तो आप थर्टीन टू क्या कहता है थर्टीन टू ये कहता है कि जनरल रूल तो यही है कि लोकेशन ऑफ रिसिपियन बिल्कुल ट्वेल्व जैसा है जनरल रूल लोकेशन ऑफ रिसिपियन अगर लोकेशन ऑफ अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ आप सप्लाई आपका ओके लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पे होगा उसके बाद में थर्टीन थ्री आपके सर्विस का नेचर ऐसा है ध्यान सुनना अब थोड़ा आराम से ध्यान सुनो आपके सर्विस का नेचर ऐसा है कि जब गुड्स फिजिकली आपको जब तक अवेलेबल नहीं करवाता है रिसिपियन आपको गुड्स ला के देगा और आप उसके ऊपर सर्विस दोगे जैसे रिपेयर सर्विस ऑन कार और एनी मोवेबल गुड्स या फिर ओके वेयर हाउसिंग सर्विस लोडिंग अनलोडिंग सर्विस यहाँ पे वॉट एवर इट में भी सर्विस का नेचर ऐसा है कुरियर सर्विस ले लो सर्विस का नेचर ऐसा है कि जब तक सामने वाला गुड्स ला के नहीं देगा आप सर्विस नहीं दे सकते ओके या फिर सेकंड इसमें दूसरी सिचुएशन कौर होती है ये क्लॉज ए है ये क्लॉज ए और ये क्लॉज बी है बी कहता है इंडिविजुअल फिजिकली प्रेजेंट यानी आपके सर्विस का नेचर है कि जब तक इंडिविजुअल फिजिकली नहीं आता है, मैं सर्विस नहीं दे सकता हूं जैसे यहां पे सलून सर्विस ओके कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कि भाई मैं सर्विस दो कैसे है जिसपे सर्विस देना है वो पर्सन इंडिविजुअल सामने होना जरूरी है ओके फोटोग्राफिक सर्विस तो अगर सर्विस का नेचर ऐसा है नाम नहीं लिया उन्होंने कहा सर्विस का नेचर ऐसा है कि गुड्स फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है या इंडिविजुअल फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है तो आपका दोनों केस में पी जो है वो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिया जाएगा ओके okay, दोनों केस में पीओ प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिया जाएगा लेकिन गुड्स के लिए कुछ एक्सेप्शन है ओके okay, गुड्स के लिए कुछ एक्सेप्शन है अगर हमने सर्विस गुड्स पे दी पर इलेक्ट्रॉनिक मीन से दी थ्रू रिमोट एरिया तो फिर लोकेशन ऑफ गुड्स लिया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा इसको रेगुलर बुक से भी अच्छे से पढ़ के जाना कि हम रिमोट लोकेशन से दे रहे हैं और कि इलेक्ट्रॉनिक मीन से तो लोकेशन ऑफ गुड्स लिया जाएगा या फिर गुड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स टेम्परली फॉर रिपेयर और प्रोसेसिंग ओके इंडिया में आया और एक्सपोर्ट किया विदाउट एनी अदर यूज ख्याल से सुनिएगा इंडिया में वो रिपेयरिंग के लिए आया है प्रोसेसिंग के लिए आया है और रिपेयरिंग और प्रोसेसिंग होने के बाद उसको हमने चुपचाप एक्सपोर्ट किया उसका कोई दूसरा यूज नहीं किया तो फिर उसका पीओएस ये थर्टीन थ्री से फिक्स नहीं होगा उसका पीओएस 13.2 थर्टीन टू से फिक्स होगा और थर्टीन टू मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपियन के बेस पे फिक्स किया जाएगा ओके okay, तो यहां पे हाँ अगर वो रिपेयर और प्रोसेसिंग के लिए इंडिया में आया और उसका आपने दूसरा यूज भी किया अगर आपने उसका दूसरा यूज किया तो वो सिचुएशन में फिर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लिया जाएगा बिना दूसरा यूज किया आपने सिर्फ रिपेयरिंग प्रोसेसिंग करके उसको बेच दिया तो फिर थर्टीन टू के हिसाब से ओके प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस नहीं क्योंकि प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस तो इंडिया में हो जाएगा आपका घाटा हो जाएगा ओके okay, वो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट के बेस पर फिक्स किया जाएगा ओके आई होप यू अंडरस्टूड इसमें बेटा हाँ ये रूल Uh, यहां पे सेवन बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा ये अच्छे से पढ़ के जाना इसके ऊपर के स्टडी आ सकती है और वो क्या अगर आपका सर्विस का नेचर ऐसा है कि आप गुड्स पे सर्विस देते हो और वो मल्टीपल लोकेशन पे मतलब अलग अलग स्टेट में समझ लो कोई एक मशीन है ओके और मशीन का ए मैंने लिया है वो मशीन कुछ महाराष्ट्र में तीन महीना प्रोजेक्ट के लिए यूज होने वाली है एक ही मशीन है सेम मशीन है फिर वो गुजरात के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होने वाली है और फिर वो जो है यहाँ पे एम के प्रोजेक्ट के लिए यूज होने वाली है और मैंने एम से लिया है तो पहले मुझे एम सी जब तक वो मशीन यहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र फिर गुजरात में गुजरात या एम में एम और डिफरेंट स्टेट में आ रहा है और मैंने वैल्यू बाइफरगेट नहीं किया क्योंकि मैंने कंपोजिट एम सी ले लिया है तो सर्विस सप्लाइड ऑन द सेम गुड्स से। है सेम गुड्स पे आप सर्विस दे रहे हो ठीक है अलग अलग मल्टीपल स्टेट में तो अपोर्शन कैसे करोगे स्टेट वाइज अपोर्शन कैसे करोगे तो आप कुछ नहीं करोगे इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस कुछ नहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ओके एम सी कॉन्ट्रैक्ट पचास लाख का है तो पचास को तीन स्टेट में इक्वली डिवाइड कर दो तो बात खत्म ओके okay, नहीं नहीं वो तो सर महाराष्ट्र में तो दो ही महीना रहा एमपी में तो सात महीना रहा गुजरात में तो वो पांच अरे छोड़ो यार ओके okay, यहाँ पे वो कितना मैंने कहा रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है ओके okay, कहीं पे भी कितना भी रहा होगा अगर आपने एम से लिया या कोई भी ऐसी सर्विस जो आप गुड्स पे दे रहे हो और वो गुड्स मल्टीपल लोकेशन पे है ओके okay, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा वो सिचुएशन में आप उसको इक्वली डिवाइड कर दोगे दैट्स ऑल लेकिन ख्याल रहे लोकेशन ऑफ सप्लाई थर्टीन का रूल है ओके लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में सप्लायर uh, इंडिया में और एक पार्टी इंडिया के बाहर है कोई फॉरेन बंदा है जिन्होंने रोड कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसने मशीन भेजी है और उसको हमें सर्विस दे रही है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर ठीक है अगर इव इनके सर्विस अप्लाइड टू डिफरेंट गुड्स अगर आपके गुड्स डिफरेंट है ओके okay, आपके गुड्स डिफरेंट है डिफरेंट है मतलब मैंने आपके तीन मशीन्स का सुनिए आपके तीन मशीन्स का एएमसी लिया है साठ लाख का तीनों अलग अलग है ओके okay, एक फॉरेन कंपनी है जिसकी मशीन्स इंडिया में और तीन मशीन्स का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ओके okay, और तीनों अलग अलग है तो ऐसे केस में अगर वो डिफरेंट गुड्स हो गए पर एएमसी कॉमन होगी अब भाई सिक्सटी लैक्स कंसोलिट अमाउंट डिफरेंट स्टेट में है तो फिर वो क्या कहते हैं देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ इन्वॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स एज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस परफॉर्म इन ई स्टेट मतलब क्या फिर मुझे ओके okay, ये सात लाख का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा स्टेट वाइज ओके मुझे ओके okay, मशीन के इन्वाइसेस बुलाने पड़ेंगे हाँ बुलाने पड़ेंगे इन्वाइसेज कि भाई बताइए मशीन कितने की है और वो मशीन की जो इन्वाइस वैल्यू होगी उसके बेस पे मेरे सिक्सटी लैक्स डिवाइड करने पड़ेंगे अगर पहले केस में मशीन की वैल्यू है ओके छः करोड़ दूसरे केस में तीन करोड़ चौथे ओके नेक्स्ट केस में है ओके यहाँ पाँच करोड़ ओके सिक्स एक्स टू में मुझे अपना सिक्सटी लैक्स डिवाइड करना पड़ेगा और अगर यहाँ पे इंडिविजुअल को मैं मल्टीपल स्टेट में सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे गैप प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई करने पड़ेगे चलिए ये तो हुआ ओके फिजिकल परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज उसके बाद में थर्टीन फोर थर्टीन फोर यहां बहुत क्लियर है इमोएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं okay, ओके फिर वो रेंटिंग हो होटल सर्विस हो आर्किटेक्ट सर्विस कंस्ट्रक्शन सर्विस इंस्टॉलेशन इरे सर्विस जो भी सर्विस इमोएबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा ओके okay, तो जहां इमोएबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है दैट्स ऑल ओके वो पी माना जाएगा यहां दोनों दो ट्वेल्व और थर्टीन सेम है पर ट्वेल्व में ओके okay, ट्वेल्व में एक था कि अगर इमोएबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ पर रिसीपर्टीन में नहीं ये टेबल

Okay, समझ लो एक पार्टी इंडिया में एक पार्टी इंडिया के बाहर है और ये मल्टीपल स्टेट में दी होगी तो आपको ओके okay, जो हमने इधर रूल फोर देखा था मोटाटिस मोटेंडिस वही अप्लाई करना है तो हमने इमोएबल प्रॉपर्टी का जो भी रूल देखा था यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्स ओके एरिया ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टाइम स्पेंड इसके बेस पर ही आपको यहां पे भी बाइफर्गेशन करने है जब एक पार्टी इंडिया में और इंडिया, एक पार्टी इंडिया के बाहर है और आपने मल्टीपल स्टेट्स में ये दिया होगा रूल एट के हिसाब से मोटाटिस मोटंडिस वही लगाना है उसके बाद में आपका एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट देखो यहां पे सेक्शन ट्वेल्व में सेक्शन ट्वेल्व में जो है बेटा यहाँ पे एडमिशन ऑर्गेनाइजेशन ऊपर था और एडमिशन नीचे था ऊपर था मतलब क्या बी टू बी और बी टू सी अगर आप देखते हो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इधर कवर था जिसमें हमने बी टू बी और बी टू सी को डिवाइड किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट और एडमिशन के लिए अलग था एडमिशन डिवाइड नहीं होता था बी टू बी बी टू सी में वो क्लियर था जहां इवेंट होगा ओके वहां उसका पीओस माना जाएगा लेकिन यहां पे बेटा एक बात तो आपको कह दो सेक्शन थर्टीन में कहीं पे भी आपको बी टू बी बी टू सी में डिवाइड नहीं करना है एक बेसिक लॉजिक समझ लेना थर्टीन की अगर केस होगी तो बी टू बी बी टू सी में डिवाइड करना ही नहीं है क्योंकि एक पार्टी इंडिया में एक पार्टी बाहर है बेटा क्या गारंटी की वो बी टू बी में रहेगा इसलिए इसको डिवाइड करना ही नहीं है यहां पर फिक्स है एक

और यहां पे अगर मल्टीपल स्टेट में होगा ध्यान सुनिएगा यहां पे अगर मल्टीपल स्टेट में इवेंट होगा तो आपको रूल फाइव के प्रिंसिपल यानी गैप वही प्रिंसिपल यूज करने पड़ेगा okay, अगर आपकी जो थर्टीन थ्री फोर और फाइव यानी थर्टीन थ्री थर्टीन फोर और थर्टीन फाइव ये वाली सर्विसेस टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों जगह है मतलब समझ लो आपका इवेंट मैनेजमेंट सर्विस ओके तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस आपने जो ली एक इवेंट श्रीलंका में नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एक इवेंट दुबई में और एक इवेंट इंडिया में तो अगर आपका मल्टीपल टेरिटरी में होगा ओके मल्टीपल टेरिटरी में होगा ओके मल्टीपल टैक्सेबल टेरिटरी नहीं मल्टीपल टेरिटरी में होगा यहां पे मल्टीपल टेरिटरी में होगा जहां जहां एक टैक्सेबल टेरिटरी में है मल्टीपल टेरिटरी में होगा जहां एक टैक्सेबल टेरिटरी में है तो वो केस में पूरा का पूरा इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंटायर कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा इवेंट जो है वो यहां पे टैक्सेबल टेरिटरी माना जाएगा यानी अगर आपने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लिया है और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट दुबई श्रीलंका और यहां पे इंडिया ऐसा सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लिया इवेंट का तो पूरा का पूरा इवेंट जो है वो यहां कहां माना जाएगा बेटा तो पूरा का पूरा इंडिया में माना जाएगा क्यों ना यहां पे 10 परसेंट सर्विस ही इंडिया की होगी पर पूरा का पूरा इंडिया में माना जाएगा सेम अगर थ्री फोर फाइव यानी इमोएबल प्रॉपर्टी इवेंट और यहां पे जहां तक फाइव में ओके okay, थ्री uh, मतलब परफॉर्मेंस बेस ओके फाइव फोर मतलब इमोएबल प्रॉपर्टी और इवेंट ये मल्टीपल स्टेट में होगा ओके okay, तो आपको ईस्ट स्टेट वाइज उसको डिवाइड करना पड़ेगा और ईस्ट स्टेट वाइज कैसे डिवाइड करना पड़ेगा तो जो रूल्स तो मैंने दिए ही है ना ओके okay, आपको अगर यहाँ पे ये यह जो फिजिकल परफॉर्मेंस वाला सर्विसेज है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वाला सर्विस है तो स्टेट वाइज कैसे डिवाइड करोगे रूल दिया हुआ है ओके okay, यहां इवेंट कैसे डिवाइड करा है? तो रूल दिया हुआ है यहाँ पे इमोएबल प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करोगे तो वहां पे भी रूल दिया हुआ है चलिए उसके बाद में यहां ये वाला रूल फेवरेट रूल है हमारे इंस्टीट्यूट का इसलिए रेगुलर बुक से भी थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना सप्लाई बाय बैंक एफ एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर अगर सर्विस अकाउंट होल्डर को दिया गया या फिर ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा Okay, दूसरा इंटरमीडियरी सर्विस इस बार इंटरमीडिएट सर्विस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए रेगुलर बुक में जो भी डिस्कशन किया है या इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो लिए वो जरूर पढ़ना इंटरमीडिएट सर्विस मतलब एजेंट वगैरह और हायरिंग ऑफ ऑल मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग गैच टू वन मंथ अदर देन वेसल और मतलब कोई भी आप मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट हायर पे देते हो अप टू वन मंथ ओके okay, एक महीने से ज्यादा दे दो तो सबसेक्शन अप्लाई नहीं होगा अप टू वन मंथ लेकिन यह सबसेक्शन वेसल और एक अप्लाई नहीं होगा तो ये सभी केस में आपका पीएस लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस देखा जाएगा ओके okay, तो बैंक अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस देता है इंटरमेड यानी एजेंट की सर्विसेज इससे रिलेटेड थोड़े क्लैरिफिकेशन भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है क्लैरिफिकेशन मेरे एडजस्ट नहीं हो पाए यहां पे इसलिए आपने एक पेज पे लिख के शॉर्ट में एक पेज पे लिख के यहां अटैच कर लेना क्लरिफिकेशन okay, यहाँ पे अटैच नहीं हो पाए तो आपने एक पेज पे लिख के अटैच कर लेना ठीक है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चार्ट में कोशिश की है लेकिन कुछ चीजें नहीं हुई तो आपने अमेंडमेंट्स साथ साथ में जरूर कर लेना भाई ओके और जो भी एक बार रेगुलर बुक भी और लुक कर लेना कुछ आपको ऐसा लगा कि ये चीजें तो शॉर्ट में यहाँ पे इसमें कवर कर लेना ठीक है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस लिया जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हाँ ख्याल रहे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अदर देन मेल और कुरियर दोनों 12 में फर्क है ट्वेल्व में मेल और कुरियर भी कवर्ड है यहां पे अदर देन मेल और कुरियर होगा तो यहाँ डेस्टिनेशन बेस है देखो डिफरेंस सेक्शन ट्वेल्व में बी टू बी और बी टू सी में डिवाइडेड था जिसमें मेल और कुरियर भी इंक्लूडेड था और बी टू सी के केस में जहां आप हैंडोव करते हो वो लिया जाता है सेक्शन थर्टीन में नहीं सेक्शन थर्टीन में वो मेल और कुरियर को अप्लाई नहीं होगा सिर्फ गुड्स को अप्लाई होगा और जहां गुड्स का डेस्टिनेशन है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जहां से एम्बार्क होगा ये तो सेम है ऑनबोर्ड सर्विस फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ये भी सेम है ओ आई डी ए आर सर्विसेज ध्यान से देखिएगा ओ आई डी आर सर्विसेज होगी तो लोकेशन ऑफ रिसिपियन लिया जाएगा ओ आई डी आर सर्विस में लोकेशन ऑफ रिसिपियन लिया जाएगा और बाकी कुछ नोटिफाइड केसेस में कुछ स्पेशल सर्विसेज नोटिफाइड हुई है जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ वेसल डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए या टैक्स अवॉयडेंस नहीं होना चाहिए इसलिए इनका प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिस्पियंट के बेस पर ही फिक्स किया जाएगा तो बेटा ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इसकी करनी पड़ेगी तो ये तो हमने देखा सेक्शन ट्वेल्व और सेक्शन थर्टीन अलग अलग केस में आपका पीओएस कैसे फिक्स किया जाएगा अब सेक्शन सिक्सटीन जीरो रेटेड सप्लाई ध्यान सुनना जीरो रेट का बेनिफिट मतलब क्या कि मतलब आपको जीएसटी नहीं आएगा तो जीरो रेट दो ही केस में अगर आपने एक्सपोर्ट किया गुड्स और सर्विस गुड्स एक्सपोर्ट किया मतलब टेकन आउट ऑफ इंडिया और सर्विस एक्सपोर्ट किया मतलब पांच कंडीशन लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया इन आउटसाइड रिसीपिन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया अमाउंट कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज और रूपी परमिटेड बार भी और आपका जो है यहां पे वो खुद का डीडीपी नहीं होना चाहिए तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो केस में आपका जीरो रेट कर दिया जाएगा या आप एसड को सप्लाई करते हो सप्लाई एसीजेड बाईसीड नहीं सप्लाई टू एसीड और डेलोपर ऑफ एसी तो ये दो केस में आपको जीरो रेट के बेनिफिट मिलते हैं अगर आप जीरो रेट का कलर ले लेते हो तो वो सिचुएशन में आपके अब फायदे क्या है तो फायदे दो है एक इनपुट टैक्स और एक आउटपुट टैक्स जिसका रिफंड में हमने फॉर्मूला भी देखा रिफंड चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आगे कवर किया है तो रिफंड चैप्टर में मैंने इसका फॉर्मूला कैसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं देख सकते हैं आपने देखा तो तो क्या क्या पहले तो क्या कहता है कहता है कि अगर जीरो रेट होगा तो आपको आई मिल जाएंगे इवन दो आप टैक्स जीरो दे रहे हैं पर आपको आई मिल जाएंगे इसमें याद रखने लायक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ है नॉट विस्टैंडिंग दैट सप्लाई मे बी एग्जम ओके एक्सेप्ट अब नॉट स्टैंडिंग दैट सच सप्लाई क्या मतलब यह है कि अगर आपका सप्लाई ऑलरेडी एग्जम्ड है अब ऑलरेडी है तो आई टीसी नहीं मिलते पर अगर आप वो सप्लाई एक्सपोर्ट करते हो सुनो एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट करते हो तो अब वो एग्जाम नहीं बचता है वो जीरो रेट का कलर ले लेता है वहां आपको आई मिल जाएंगे सुनो अगर आपका सप्लाई एक्जम्ट है जैसे हेल्थ केयर सर्विस हेल्थ केयर सर्विस डॉक्टर की एग्जाम है

विथ बॉन्ड uh, और विदाउट बॉन्ड उसके बेस पे आपको बायफर्गेट करना पड़ेगा इस पर डिटेल डिस्कशन मैंने किया है कौन से चैप्टर में रिफंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा तो ये हुआ जीरो रेटेड सप्लाई अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले पेज पे ओ आई डी ए आर सर्विसेस अब ये ओ आई आर सर्विसेज क्या है ओ आई डी आर सर्विसेस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस रिट्रोअल सर्विसेज जिसकी डेफिनेशन दी है ओके okay, पहले तो वो डेफिनेशन ओ आई आर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे पर डेफिनेशन क्या कहती है देखिए डेफिनेशन कहती है ओ आई डी आर तभी माना जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओके और इंटरनेट यूज़ किया जाएगा उसके बाद में कंप्लीटली ऑटोमेटेड होगा कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन होगा जैसे नेटफ्लिक्स की सर्विसेज सब ऑटोमेटेड है वहाँ कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है ओके okay, यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सब ऑटोमेटेड है ओके okay, यहाँ पे तो सेक्शन 14 ओआईडीआर के बारे में क्या कहता है ओके okay, तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड है कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन है और वो टोटली आई बेस्ड है इसके एग्जाम्पल भी दिए फिर एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट एंड क्लाउड सर्विसेज एंड मूवी इन म्यूजिक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दिए तो ये और इंपॉर्टेंट है एंड एंड मतलब ये क्यूमलेटिव कंडीशन है मतलब इंटरनेट के थ्रू सप्लाई हो रही है ऑटोमेटेड है उसमें कम कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन है और उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना देना पॉसिबल नहीं है और एग्जाम्पल दिए तो ये ओ सर्विसेज बोली जाएगी अब ये ओ आई सर्विस का खास बात क्या है खास बात ये बेटा हमने ये पढ़ा था ध्यान से सुनना हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर हो और लेने वाला इंडिया में हो तो रिवर्स चार्ज लगता है पर पर ये एक्सेप्शन है सेक्शन 14 सेक्शन 14 क्या कहता है कि अगर सर्विस सर्विस ओ डेफिनेशन के हिसाब से और सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करने वाला बाहर है सुनो सर्विस प्रोवाइड करने वाला बाहर है और लेने वाला एन टी होगा ओके लेने वाला एन टी होगा तो यहां रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज आएगा टैक्स तो आएगा पर ओके एक बार फिर से नेटफ्लिक्स है कोई भी कोई भी सर्विस जो ऊपर मैंने दिया है अगर वो प्रोवाइडर बाहर है और लेने वाला इंडिया में है और वो एन टी ओ आर है तो टैक्स तो आएगा और टैक्स जो आएगा यहां पे फॉरवर्ड चार्ज में आएगा लाइबिलिटी इज ऑन सर्विस प्रोवाइडर फॉरवर्ड चार्ज में आएगा तो फिर एनटीओ आर यानी क्या तो एन टी ओ आर की डेफिनेशन मैंने यहां ली है ओके ख्याल रहे इस स्पेसिफिकली एन टी ओ आर के कस्म में कहा गया नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट यानी अगर सर्विस लेने वाला गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंटल ऑथोरिटी होगी या इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन नॉट रजिस्टर्ड होगा और रिसीविंग ओ और वो स्पेसिफिकली ओ सर्विस ही ले रहा है मतलब एनटीओ आर ऑलवेज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ओ ही लिया जाएगा ओके ओ आई डी आर लिया मतलब एनटीओ आर तभी पिक्चर में आएगा जब ओ आई सर्विस है ओके okay, तो सर्विस लेने वाला जो है ओके okay, यहाँ पे गवर्नमेंट है लोकल अथॉरिटी है और दूसरा इंडिविजुअल है या कोई भी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी और वो ओआईडीआर सर्विस ले रहा है और लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि जो सर्विस ली जा रही है इन रिलेशन टू पर्पस अदर देन कॉमर्स इंडस्ट्री वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ली जा रही है मतलब गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इंडिविजुअल ओके ये ओआईडीआर सर्विस ले रहे हैं और बिजनेस पर्पस के लिए कॉमर्स या इंडस्ट्री के लिए नहीं ले रहे तो अब जाके उन्हें एन टी कहा जाएगा और अगर ये ओआईडीआर सर्विसेज ओके एन टी लिया जा रहा है तो जीएसटी आएगा बेटा नेटफ्लिक्स आज तो इंडिया में पहले ओके okay, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है बाहर से चलते थे ओके okay, और बाहर से ओटीडी हम मूवी देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं ओके okay, और ये पैसा कमा के लेके जा रहे हैं और कोई जीएसटी नहीं दे रहा है क्योंकि ना फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है हम तो इंडिविजुअल है हम क्यों जीएसटी दे तो ऐसे सिचुएशन में बेटा उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर ओ आई में आता है तो वो जो सप्लायर बाहर बैठा है उसको जीएसटी देना पड़ेगा ही इज लाइबल टू पे जीएसटी अगर उसका ओके okay, यहां पे रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसको रिप्रेजेंट उसका रिप्रेजेंटेटिव टैक्स देगा लाइक like एसीओ और उसका अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो उसे कोई अपॉइंट करना पड़ेगा टैक्स देने के लिए okay, लेकिन यहां फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई देगा लेकिन अगर यह ले बिजनेस ले, मैं मैं ले रहा हूं और वो than, एक किन, एक कर लेते इसको होगा, होगा, okay, में हो रहा, मतलब वो बिजनेस एंटिटी है तो फिर यहां पे भी जीएसटी आएगा पर यहां रिवर्स चार्ज लगेगा ख्याल रहे ओ आई रिवर्स चार्ज में आता है ओके okay, देखो ओ अगर एन होगा तो फॉरवर्ड है और अदर देन एन टी होगा तो वो रिवर्स चार्ज में आता है तो ये हमने देख लिया तो चलिए दोस्तों आपके लिए बस एक ही होमवर्क दूंगा जो आज ही कंप्लीट कर लेना जितने भी सीबीआई क्लैरिफिकेशन पे आई जी के ये आ सीबीआई क्लैरिफिकेशन को एक समरी बनाना कुछ तो होमवर्क आप करो तो इसकी समरी बनाना और यहां एक पेज अटैच कर देना और उसको खत्म कर देना आई होप आपको ये रिविजन पसंद आई होगी यस और नो पसंद आई या नहीं आई दोस्तों चलिए तो ऐसे ही हमारे रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे यहां तक तो हमने आज प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत अच्छे से देख लिया है अब मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अब एक ही चैप्टर बचा है इनवाइस और टीडीएस टीसीएस अब बेटा इनवाइस तो आप भी कर सकते हो चार्ट तो मैं शेयर कर दूंगा पर इस वीक में जब भी टाइम मिलेगा मैं रिवाइज कर दूंगा ठीक है जैसे टाइम मिलेगा मैं रिवाइज कर दूंगा ओके मैं okay, तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है और बेटा क्वेश्चन एयर मेरे क्वेश्चन आते रहे बहुत ट्रिमिंडस मेरा शेड्यूल बिजी है लास्ट दो महीने से और उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चार्ट बनाऊ और आपको चार्ट में प्रोवाइड करू क्वेश्चन के वीडियो भी अपडेट होते रहेंगे आते रहेंगे ओके okay. आप सेल्फ स्टार्ट कर दो कोई डाउट से तो आप क्वेश्चन व्हाट्सअप पे पूछ ही सकते हो अगर वीडियोस आ गए तो अच्छी बात है ठीक है तो अब नालायक सारे सेशंस तो दे दिए अब ये वीक में जब भी नेक्स्ट सेशन होगा एक ही बचा इनवाई चैप्टर वो मैं कवर कर लूंगा अरे भाई समरी अमेंडमेंट इस बार बचा क्या है समरी अमेंडमेंट्स में सब प्रोसीजर तो है पहले अमेंडमेंट तो कर ले यार तुम ना बहुत ये ये मैं दूंगा सब कुछ पर ये बहुत टाइम पास है तुम्हारा कि ये दे दो वो दे दो अमेंडमेंट फीस उसकी समय फिर ये फिर वो वो फिर लिख के दे देता दे हूं ना यार ऐसा मत करो प्लीज आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो दूंगा ना मैं आपको सब ओके आप अपनी स्टडी मत रोको ठीक है आप अपनी स्टडी मत रोको प्लीज स्पून फिटिंग मत करो बहुत ज्यादा मैं आपको हेल्प करूंगा पर वो रिक्वायरमेंट मत बना कि उसके बिना आपका कुछ नहीं होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों यहां पे आ, रुकते हैं अब इसके बाद का एक सेशन बाकी इन इस वीक में ले, ले लेंगे ठीक है डन ओके गुड नाइट बाय बेटा